लड़कियों के जरिए उड़ीसा से गांजा तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद मंगलवार को नया खुलासा हुआ। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों ने उससे भी माल खरीदा था। इस कार्रवाई को लेकर आरपीएफ में खलबली मच गई है। अपराधियों के बीच हुई धमकी भरी बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सीपी अमितेश कुमार ने क्राइम ब्रांच को जांच के निर्देश दिए थे। पुलिस ने जाल बिछाकर सीआरपीएफ कैंप निवासी अभिषेक ललित पांडे और फैक्ट्री कार्टोल रोड निवासी अरुण उर्फ सोनू राजकुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया था। उनसे 730 ग्राम गांजा और कार जब्त की गई। दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि अमन उर्फ गोल्डी गणवीर के साथ मिलकर उन लोगों ने उड़ीसा से गांजा खरीदा था। कुछ माल जागनाथ बुधवारी निवासी लवकेश उर्फ कुश चंद्रमोहन माली और मेहंदी बाग सोनार टोली निवासी विजय उर्फ बंटी गुप्ता को बेचा है। तुरंत पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बंटी गुप्ता के जरिए मीना इस गैंग में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि पहली बार उसे इतवारी स्टेशन पर लावारिस स्थिति में गांजा मिला था। कार्रवाई करने की बजाय मीना ने माल अपने पास रख लिया था। बंटी गुप्ता के जरिए अन्य लोगों को माल बेच दिया था। तब से वह भी गांजे की खरीदी बिक्री का हिस्सा बन गया। पुलिस अधिकारी होने के कारण किसी को उस पर संदेह नहीं होता था। बुधवार को पुलिस उसे न्यायालय में पेश करेगी। डीसीपी चिन्मय पंडित और एसीपी रोशन पंडित के मार्गदर्शन में नशीले पदार्थ विरोधी दस्ते इंस्पेक्टर मनोज सिडाम आदि ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जी, कुछ दिन पहले माननीय सीपी साहब के पास में इंफॉर्मेशन आई थी, जिसमें दो ऑडियो क्लिप्स थी जो कि वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें एक पांडे नाम का लड़का किसी दत्तू नाम के आदमी को गाली गलौज कर रहा था। तो इस इंफॉर्मेशन पे हमने वर्कआउट किया और क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम्स ने इस पांडे को धर दबोचा है और दत्तू को भी धर दबोचा है। तो इसमें दो बड़ी बड़ी गैंग्स उजागर हुई हैं, जिसमें एक गैंग जो है पांडे, तो ये पांडे लड़का है, ये शहर और आसपास की कई लड़कियों को अपने पास में रखकर इनको केटरिंग बिजनेस करने के नाम पर इनको उड़ीसा लेके जाकर इन ट्रेन में से इनसे गांजा की स्मगलिंग करवाता है। छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये लड़कियों के साथ में, उड़ीसा से नागपुर भेजने का काम ये गैंग करती है। उस गैंग में हमने NDPS का गुना दाखिल किया था, जिसमें पांडे और एक सोनू ठाकुर उसी दिन अरेस्ट हुए थे। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वर्कआउट करते हुए कल हमने और दो लोगों को कल तीन लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक जो है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं, जिनके घर में 5 किलो गांजा पाया गया था और जो कि ये पांडे की जो गैंग है इनसे इन्होंने खरीदा था। और दो लोगों को भी अरेस्ट हुई है, जिसमें ये लोग जो पांडे जो गांजा लाता था वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो लोग करते थे उनको हमने अरेस्ट किया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। माली और गुप्ता ने बताया कि उन लोगों ने अपना माल शांतिनगर रेलवे क्वार्टर निवासी राम सिंह चौतमल मीना के पास रखा है। पुलिस ने मीना के घर पर छापा मारा और तलाशी ली। जांच में 6 किलो गांजा बरामद हुआ। मंगलवार की रात पुलिस ने मीना को भी गिरफ्तार कर लिया। मीना आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिवीजन के तहत उसकी तैनाती इतवारी रेलवे स्टेशन पर थी। इस मामले में फैक्ट्री कलमेश्वर निवासी सूरज बिहारी उर्फ तिवारी और गोल्डी गणवीर अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गोल्डी गणवीर के पास भी भारी मात्रा में माल था, लेकिन अभिषेक के पकड़े जाते ही वह फरार हो गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।